गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी हिंदी टीचर आपको हिंदी का एक असाइनमेंट देने जा रही हूँ, जिसका विषय है मेरी माँ। मेरी माँ लेख को आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। माँ शब्द का अर्थ जननी है, अर्थात माँ का अर्थ है जननी, यानी जन्म देने वाली, अर्थात जन्म देने वाली। प्रेम और वात्सल्य का दूसरा रूप माँ है, यानी कि अगर प्रेम, सबसे अधिक प्रेम कोई करता है आपको, या सबसे ज़्यादा प्रेम की बात करी जाए, तो उसको हम दूसरे रूप में माँ का नाम दे सकते हैं, यानी कि माँ हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। अच्छी माता से आशय आपके बच्चों के मोह में, यानी कि अच्छी माता से आशय, आशय मीन्स मतलब, अच्छी माता से आशय अपने बच्चों के मोह में उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। यानी कि अगर ठीक है, अच्छी माँ है, आपकी माँ अच्छी है, तो वो ये नहीं करेंगी कि आपकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर दे, यानी अवॉइड कर दे, इग्नोर कर दे। आपकी माँ को आपकी गलतियों को भी ध्यान में रखती हैं वो, ठीक है। बच्चे के हर गलत बात पर माँ सदैव गुस्सा करती है, पर हमसे अधिक हमारे बारे में माँ ही सोच सकती है, ठीक है। आपने कोई गलती करी है या आपको ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करती है, उसकी मम्मी तो बहुत अच्छी है, उसकी मम्मी, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपकी माँ आपकी गलतियों को नहीं बताएंगी तो आपको कौन बताएगा, है ना। तो सदैव गुस्सा करती है, पर हमसे अधिक हमारे बारे में माँ ही सोच सकती है। गुस्सा करना अलग बात है, लेकिन हमारी अच्छाई के लिए वो हम पे नाराज़ होती हैं या गुस्सा करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे बारे में हमारी माँ ही सोच सकती है। अच्छी माता अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से, यानी उनके अंदर कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती है, निस्वार्थ भाव से प्रेम और उसकी चिंता करती हैं। यानी कि बच्चे की निस्वार्थ, कोई उनका स्वार्थ नहीं छिपा होता उसमें, कोई उनका अपना हित नहीं होता है, वो बच्चों की चिंता करती रहती हैं और उनके लिए तरह तरह के काम करती हैं, उनको प्रेम करती हैं, है ना। माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ही लेती है, यानी कि माँ की अपनी पर्सनल कोई खुशी नहीं होती है, बच्चों में ही उनकी खुशी समाहित होती है। माँ अपने बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, ठीक है। माँ अपने बच्चों की प्रथम शिक्षक होती है, मीन्स कि स्कूल तो बच्चे आते हैं तब टीचर से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब माँ घर में जब पढ़ाई होती है तो सबसे पहली अध्यापिका, शिक्षक माँ ही होती है। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मेरी माँ तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, आप लोग बताएंगे, हाँ आप लोग बताइए, तो आपको ये वाली लाइन जरूर राइट करनी है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। ऑब्वियस सी बात है कि है ही, इसलिए आपको और इसमें चाहे तो दो चार लाइन आप और ऐड कर सकते हैं अपनी ओर से कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, गर्ल्स बॉयज़। तो ये हमारा वीडियो इसी पे है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।